नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरें। डॉक्टर रमन ने किया योगी को फोन, बोले सर प्रणाम, ऐसा लग रहा है हम लोग जीत गए, आपने चमत्कार कर दिया। हाई स्पीड कार पेड़ से टकराई, 3 दोस्तों की मौत, बलौदा बाजार में छठी के कार्यक्रम में शामिल होकर रायपुर लौट रहे थे। सुकमा में दिन दहाड़े नक्सलियों का तांडव, निर्माण कार्य में लगी हाईवा वाहन को लगाई आग, मौके पर पहुंची फोर्स। बिलासपुर में पीएससी रिजल्ट के बाद छात्रा ने फांसी लगाई, अंबिकापुर में घर वालों से बात करने के बाद फोन बंद कर पंखे से लटकी। श्रीनगर रायपुर फ्लाइट जल्द शुरू होगी, शहर में पहली बार जुड़ेगा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के लिए दिल्ली होकर उड़ान 27 से। कमांडेंट इरफान खान को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से झटका, मां फराह खान के साथ रहेंगे दोनों बच्चे। कच्चा बादाम फेम सिंगर भुवन बदायकर ने मांगी माफी, बोले दोबारा मूंगफली बेचूंगा। सुशांत मून दिवस मनाएगा अमेरिका, सुशांत सिंह राजपूत को दिया बड़ा सम्मान। जांजगीर में 24 घंटे बाद भी नहीं मिला बच्चा, तालाब और नहर में खोज रहे गोताखोर। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम द बेटर विद इन की सामने आई रिलीज डेट, 1 जुलाई को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। चुनाव के नतीजों के बाद बाजार में खरीदारी, सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने स्वीकारी हार, बीजेपी प्रत्याशी को दी जीत की बधाई। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत जीते, भाजपा के मनोहर आज गावांकर को दी मात। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया, गोला बारूद बरामद किए गए। पंजाब में ट्यूशन के बहाने बुलाकर टीचर करता रहा 14 साल तक छात्राओं का यौन शोषण। तमन्ना ने खत्म की बबली बाउंसर के पहले शेड्यूल की शूटिंग, सोशल मीडिया में शेयर की सेट की फोटो। शायर मुनव्वर राना की बिगड़ी तबीयत, कहा था योगी दोबारा बने सीएम तो छोड़ दूंगा यूपी। सदन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने उठाया जगदलपुर में पीएम आवास योजना की शिकायत का मुद्दा। शादी का झांसा देकर दोस्त ने विवाहित महिला से बनाया शारीरिक संबंध, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग से नगरपालिका अध्यक्ष की कार में अराजक तत्वों ने लगाई आग, संदेही से पूछताछ जारी। रायपुर में बाइक सवार बदमाशों ने 3 साल के मासूम का किया अपहरण, जांच में जुटी पुलिस। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।